तो गाइज़ मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे भूत का कोई रेट नहीं होता है, जितने में अंकल बोल दिए उतने में डन। लाइक सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज हम जा रहे हैं बनारस, सबसे पहले जा रहे हैं जंघई। ये है जंघई स्टेशन। तो अभी हम जा रहे हैं आगे टिकट निकालने, तो टिकट का दिखाते हैं आप सभी को। तो ब्लॉग में बस बने रहिए, आप लोग को बहुत फुल इंजॉय कराऊंगा। ये है टिकट काउंटर और भाई अपना टिकट निकाल लिया है। ये विशाल भाई, हाय विशाल भाई बोल। हाय भाई, कैसे हो? चल रहे हैं बनारस घूमने के लिए, टिकट ले ही लिए हैं गाइज। यहाँ पे 90 रुपये का टिकट है। जंघई स्टेशन काफ़ी अच्छा बन गया यार, पहले तो ऐसा था यहाँ पे चढ़ भी नहीं सकते थे। और यहाँ पे बाइक की पार्किंग बंद हो चुकी है, तो यहाँ पे सब बाइक मत लाए, उस तरफ जाके बाइक लाए। हाँ भाई, हाँ भाई। सो अभी हम लोग आपको लेके चलते हैं ट्रेन में, देखते हैं ट्रेन खाली है कि नहीं। यहाँ पे हमेशा ट्रेन नहीं आती रहती, एक ट्रेन आएगी 1 घंटे के बाद, तो चलते हैं आगे की ओर। तो भाई हमने को सीट नहीं मिला है, आप उन बैठे हैं गेट पे। आज गेट पे बैठने का अलग ही मजा है, यहाँ पे आराम से पैर ऐसे रख दियो देन बैठ के ब्लॉगिंग करो। और यहाँ पे देखो सब पब्लिक जा रही है। अभी हम डायरेक्ट यहाँ से जाएंगे बनारस, तो मिलते हैं बनारस। तो गाइस हम मड़वाड़ी स्टेशन से कैंट तक आए, क्योंकि कैंट से भी मड़वाड़ी स्टेशन से भी जा सकते हैं डायरेक्ट बंदे, लेकिन हमको कुछ खाना था तो डायरेक्ट यहाँ पे आ गए कैंट पे। अब यहाँ पे खाने पीने ऑर्डर कर यार। तो गाइस खाने आ चुके हैं, अभी खाने को टेस्ट करते हैं भाई का खाना कैसा है। पहले पापड़ खा लेंगे, खाने के बाद भाई खाया नहीं फिर भी बोल रहा है ठीक है। तुम पापड़ से पता चल गया। सही बोले तो भाई खाना तो टेस्टी है, अभी आप खा लेता हूँ देन आगे का दिलाता हूँ सर। तो गाइज हम बैठ गए, क्या कौन सा है गाड़ी टोटो, यहाँ से 20 मिनट लगता है मैं घाट पे छोड़ देगा जहाँ पे दर्शन होता है। तो अभी आएगा भाई, दो सीट खाली है उसको, उसके लिए चिल्ला चल भैया चौका घाट मैं आगे विश्वनाथ मंदिर मैं आगे। गाइस अभी कोई आ नहीं रहा है, बाद में यहाँ से चल भैया मैं आगे बस कौन से चौका घाट दुर्घटना हाय गाइस। तो हम लोग अभी देख रहे हो 40 रुपये एक वहाँ से आए हैं, फिर 50 इधर दे रहे हैं, तो हम सोचे भाई का कुछ काम हो जाए भाई का। भाई लोग बहुत मेहनत करते हैं पैसे के लिए, गाइस सबसे मेहनत का मिलता है, आइए तो इसी से जाइएगा। बिकॉज यार समझ सकते हो आप, आज जब से टोटो निकला इन लोग का धंधा भी नहीं होता, इसके लिए भाई जो भी आना तो इनसे ही ट्राई करना, अपना टाइम थोड़ा भले जाएगा बट सेव सेव तो बचाते हैं। सो गाइस अभी हम घाट के आ गए हैं, जा रहे हैं नहाने। अरे ब्रो उतना ही पानी है ना, पानी उतना ही है ना। तो गाइस ज़्यादा अंदर जाने नहीं है क्योंकि भाई बोल भी सकते हैं, तो हमको जरा भाई सीट वगैरह निकाल दीजिए। गाइस आज हम भी शायद इसमें बैठे हैं और इसमें फोटोज वगैरह मारते हैं यार,
क्योंकि मुझे भी यहाँ का फोटोज चाहिए। सो देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं, मेरे को डिसाइड करके आए नए मंदिर अपना वहाँ पे है, यहाँ से ना आएंगे वहाँ पे डाइक जाएंगे और देखते हैं अभी बताते हैं आप लोगों को। सो गाइस अब हम नहा चुके हैं, अभी जाएंगे दर्शन की ओर। और भाई अपना घर लिया ना, तो भाई अभी क्या करते हैं यहाँ पे, स्मेल तो बहुत अजीब आ रहा है मेरे को, स्मेल महक तो बहुत अजीब लग रहा है। तो गाइस सच्ची बता रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे जब गंगा नहाते हैं और क्या मतलब क्या अलग टाइप की एनर्जी आती है हर बॉडी में, सच्ची बता रहा हूँ गाइस, बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। और हम लोग को यहाँ कोई भी आता है सबको अच्छा लगता है। देखते हैं अभी सब कुछ मिल गया। भाई अपने प्रसाद सब ले लिया है और ये है तो गाइस अगर आप थोड़े पैसे बचाना चाहते हो तो बाहर से प्रसाद लेके जाओ और अंदर लॉकर भी फ्री है एंड शूज रखने वाला भी फ्री है, तो बाहर के अंदर बताए तो थोड़े बहुत पैसे से हो जाएंगे हमारे खाने पीने के लिए। अगली बार इतना मेरे को पता नहीं था, अभी पता चल गया। सो गाइस हम तो दर्शन दर्शन कर चुके हैं, अभी आप सबको दिखाते हैं वीडियोस के थ्रू कुछ, ताकि ये अभी ऐसे दिख रहा है अंदर का व्यू है एंड ऊपर हमारी मंदिर है, मंदिर और इस साइड से लिफ्ट का व्यवस्था किया गया है, बट जो बैग लेके जा रहे हैं उसको नहीं जाने दे रहे। सो ये देखो महादेव, अंदर काफ़ी वो है और इधर चलिए भाई जी अपना मंदिर है। तो गाइस मंदिर आप देख लिए और चलते हैं, पूरी संकल्प साइड कर दिए, वीडियो निकालने नहीं दे रहा यार क्या बात है, बट कोई ना चलेगा अपने को अपना की हो चुका है चलो। हाँ भाई हम लोग अब दर्शन कर चुके हैं, थोड़ा प्रशासन टाइट है, सरकार जानते हो अपना है। तो गाइस समझ रहे हो ना यार, वैसे वीडियो बनाना भी चाहिए मंदिर का, लेकिन कोई नहीं आ सकती है कोई नहीं। तो गाइस तुम्हें एक बहुत भयंकर चीज दिखा रहा हूँ, ये देखो यार जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है यार, जब तक जिंदा हो तभी तक, मरने के बाद देख रहे हो यही होगा। तो सो गाइस जितना जितना जो करना है इसी टाइम तक जिंदा हो सब कुछ कर सकते हो बस, इसके बाद तो सकते ही है। गाइस मेरे को मंडलना घाट से एक चीज़ तो समझ में आया, गाइस जब जिंदगी के जिस मोमेंट पे होना इंजॉय करो, जितना उसको उतना इंजॉय करो, बिकॉज यार मरने के बाद यही होगा यार, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, लाइक जिस मोमेंट को उस मोमेंट को इंजॉय करो और अच्छे काम करो बस, अच्छे करोगे यार तुम्हारे साथ हमेशा अच्छे होगा, और बुरे करोगे तो उसका पलटवार जल्दी होता है बुरा, लाइक अगर आज तुम बुरा करोगे तो कल तुम्हारे साथ जल्दी बुरा होगा, अगर अच्छा करोगे तो लेट से अच्छा होगा तुम्हारे साथ क्योंकि होगा। सो अच्छा करो यार, और बहुत अजीब लगा यार मेरे को ये सब देख के, तो कोई ना होता है ऐसा। हेलो गाइस कितने धुएँ आ रहे हैं वहाँ से, मतलब लाइक वहाँ पे चलाए जा रहे हैं, कोई ना यार चलो देखते हैं आगे। तो गाइस अब मैं थक गया हूँ, थोड़ा तो रेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे आके। वो क्या हुआ रे, ब्रेकअप हो गया ये ले भाई, सही बोलते यार टेम्पररी प्यार यही होता है, ब्रेकअप भी लाता है, ब्रेकअप तभी ला के छोड़ देता है और परमानेंट तो मिलेगा ही नहीं इस युग में, इस कलयुग में। सो कोई यार होता है, होता है दूसरी पटा लियो
साली एक आई चली गई, अब दूसरी क्या। भाई हम तो यही अपेक्षा करते कि मेरे को अगर मिले तो टेम्पररी मिले ही ना, सच्चा मिले। बस यार अगर सच्चा मिलेगा तो ये रहेगा, इसके साथ शादी करूँगा। ना ना यार अच्छी चीज़ होती है, ऐसे मत बोलिए। मोहब्बत ना रहता तो दोनों को बट अच्छी चीज़ होती है। मैं तो यही सोचता हूँ कि मेरी लाइफ में भी कोई अच्छी लड़की आए, लाइक मेरे साथ रहे और चार धाम की यात्रा करे, हम दोनों मिलके शादी वीदी करे, बच्चे करे और जो भी है सब करे। हमारा तो ऐसा थॉट है बट कोई आती नहीं तो यहाँ भाई का ब्रेकअप हुआ ना। और बताए गाइस मैं बोलता हूँ धोखा एक कलियुग का प्रसाद है, तो मिलना चाहिए सबको, कुछ तो सीख मिलती है। भाई को मिला, भाई साथ में भी चला गया है। कोई ना होता है, चीज लगे यार मज़े करो, इस मोमेंट को एंजॉय करो, नहीं तो वही हाल होगा जो वहाँ पे हम लोग देखे अभी, देखे ना कैसे चला रहे थे। सो इस तो इस चीज़ को एंजॉय करो, जिस मोमेंट में उस चीज़ को एंजॉय करो, मज़े ही मज़े लगेंगे। फिर भाई जब हम जा रहे हैं मोड से अंदर और फोटो खींचने, पलट ना सर अंकल अभी रस्सी खोल रहे हैं, तब तक मैं फोटो इधर से मार देता हूँ। सर परफेक्ट है ना ये लोग, कितना मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं ना, उसको पैसे देने में कोई इशू भी नहीं देता। ऐसे फील नहीं, लाइक उस वाले बोर्ड से जाएंगे उतने पैसे में ही, बट ये वाले में जो आनंद आ रहा है ना, हल्की हल्की हवा है ना, कैसा एक्सप्लेन करो इस चीज़ को, मैं फील कर रहा हूँ। तुम लोग को क्या, तुम लोग को बैठ के देखी हो। और अंकल जी कितनी मेहनत कर रहे हैं, गाइज मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे बोर्ड का कोई रेट नहीं होता है, जितने में अंकल बोल दिए उतने में डन, लाइक 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 1,00,000, 1,50,000, ये सब प्राइसिंग है इनका कोई भी बोर्ड का, ऐसा नहीं है ये नॉर्मल बोर्ड है वो बोर्ड है। बट मज़ा तो इसमें ही आता है, कभी इसमें बैठ लियो, हम लोग तो उसमें बैठे हैं, उसमें भी ज़्यादा मज़ा नहीं आता, बट इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मैं देख के फील कर रहा हूँ। ओके मेहनत है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बैकग्राउंड देखिए और पीछे तो गाइस आरती का व्यू देखिए, जाने के बाद जो माइंड फ्रेश हुआ क्या ही बताएं, अभी मैं घर पे। आप तो गाइस ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग ब्लॉग को देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए।